बाज़ार का गिरना कोई आश्चर्यजनक नहीं है और पिछले हफ्ते संकेत बाज़ार ने दिए भी कि हम थोड़ा कमजोर होना चाहते हैं स्पेशली उन जगहों पर जहाँ पर थोड़ी तेजी अनाप शनाप हुई है जिसमें सरकारी कंपनियां हैं जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक करेक्शन ड्यू था आप देखिए दस दस बारह बारह दिन तक स्मॉल कैप इंडेक्स लाइफ हाई बना रहा है करेक्ट सो so, कहीं ना कहीं करेक्शन तो आना है अब क्या है कि करेक्शन कब आएगा कितना आएगा और कितनी तेज़ रफ्तार से आएगा ये हमारी इच्छा से नहीं होता राइट सर ये हमारी इच्छा सिंह अब वो कब आएगा वो सात दिन पहले ही आ जाना था सात दिन बाद आना था देखिए मार्केट ओवर वैल्यूड है या फिर जरूरत से ज्यादा भाग चुका है ये सब चीज कोई अचानक से नहीं हुई है एक दिन में ये तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट भागा है। लेकिन वो किस दिन ट्रिगर होगा किस वजह से होगा या बिना वजह होगा वो आप कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे दिक्कत क्या है दिक्कत इस बात से नहीं है कि करेक्शन है दिक्कत इस बात से कि करेक्शन की रफ्तार जो है वो बहुत तेज है क्योंकि अगर आप किसी एक दिन चार चार परसेंट आप मिड कैप इंडेक्स को स्मॉल कैप इंडेक्स को करते देखते हैं ढाई परसेंट मिड कैप इंडेक्स को करते देखते हैं दो तीन दिन में पाँच पाँच परसेंट ये इंडेक्स घट जाए स्टॉक्स बीस से तीस परसेंट घट जाए तो वो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात तो है अब यही मार्केट है देखिए मार्केट का सिस्टम है जो कमज़ोर ट्रेडर्स को सिस्टम से साफ़ करके आप वापस से खड़े उठ खड़े होता है सो आई थिंक आईटी टी में सॉरी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में और पीएसयू शेयरों में लगभग लगभग वही होता दिख रहा है रहा सवाल इसमें आग में घी डालने का काम कर रहा है बैंक निफ्टी जो कि आपको पता ही कि कंपेरेटिवली ज़्यादा कमजोर है या कम मजबूत है जो भी शब्द का आप इस्तेमाल करना चाहें सो so, ये कॉम्बिनेशन बन गया है इस कॉम्बिनेशन की वजह से बाजार में दिक्कत होती थी आज भी जो ट्रेडर्स अगर आईटी फार्मा सीमेंट लेके बैठे उनको आप पूछो तो उनके चेहरे पे तो मुस्कुराहट है okay. है ना बोला हमारे क्या दिक्कत है हम तो फर्स्ट क्लास आप टी देखिए मतलब क्या चौवालीस के आसपास आपका ट्रेड करता है कहाँ समस्या है सॉरी इकतालीस के आसपास ट्रेड कर रहा है कहाँ समस्या है मेरे ख्याल से तो थोड़ा सा भी पैसा है कि आ, आपको मार्केट में जो सेक्टर रोटेशन होता है और जिसको हम इंडेक्स मैनेजमेंट कहते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट में आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये कि आपको इंडेक्स में सही साइड पर होना है जब इंडेक्स में भी अगर ऐसे धड़े बने हुए हों कि ये चलेगा और ये नहीं चलेगा तो आपको मंदी करनी तो आपको पता होना चाहिए किस तरफ है तेजी करनी तो आपको पता होना किस तरफ है और ये बाजार आपको साफ साफ चिल्ला कर कर रहा है आपको तेज़ी करनी है आई फार्मा है मंदी करनी है आपको पी है बैंक्स हैं मिड कैप स्मॉल कैप्स है लेकिन एक चीज़ और बताऊं दीप ये भी लाइफ लॉन्ग चलने वाला नहीं है अल्टीमेटली ये वापस रिवर्सल होगा ही कि जब आपको आईटी फार्मा एक लेवल पर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग दिखाएंगे वही वापस से एक लेवल से पी आपके लिए फिर से अट्रैक्टिव हो जाएंगे वापस से आपको मिड कैप स्मल कैप शेयर में एक अच्छा करेक्शन होने के बाद फिर से तेजी बनेगी सो so, लॉन्ग आप इसको लॉन्ग टर्म बुल मार्केट के तौर पर देख रहे हैं तो कहीं कुछ नहीं बदला है अभी भी इंटैक्ट है लेकिन शॉर्ट टर्म में बुल मार्केट में इस तरह के शार्प करेक्शन जो आते हैं जिसमें सिस्टम में सफाई होती है वो प्रोसेस चल रही है खास तौर से सरकारी कंपनियों में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बैंकिंग शेयरों में और मुझे तो लगता है पर्सनली अगर आप मुझे पूछेंगे हुँ. मुझे तो लगता है दीप इन सब में सबसे पहले करेक्शन पूरा कौन करेगा बैंक्स बैंक्स बैंक किसी भी वक्त करेक्शन पूरा करने को तैयार अच्छा। है हाँ किसी वक्त तैयार है और तो या कम से कम एक बार तो अच्छे सपोर्ट लेवल पर रुकने को तैयार है क्योंकि सबसे पहले गिरना शुरू है अब आज एक सर्वे भी आया है सामने जो दुनिया भर के फंड मैनेजर्स के बीच में किया गया है उनको अभी भी फाइनेंशियल्स इंडिया में बहुत कमजोर लगता है ये ये कमजोरी अब आ, आ रही है जब आप पैंतालीस के नीचे समझ में आए सो आई थिंक बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड है सबसे पहले करेक्शन आप बैंक निफ्टी पर नजर रखिए मैं बैंक निफ्टी में लगातार पिछले तीन हफ्ते से लगातार कर रहा हूँ कंफर्ट नहीं कम्फर्ट yes. नहीं, नहीं करना है नहीं लेना है बिल्कुल है ना इवन पॉलिसी के दिन भी हमने कहा कि नहीं मजा नहीं है बैंक निफ्टी में वहां से भी चाल बिगड़ी हुई है लेकिन अब कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड होता दिखा है और जब एक साथ सारी बुरी खबरें आए तभी बॉटम बन बॉटम बन बॉटम अच्छी खबरों पे नहीं बनेगा बॉटम बुरी खबरों पर बनेगा टॉप अच्छी खबरों पर बनेगा सो आई थिंक पहले रिवर्सल के संकेत बैंक निफ्टी से आएंगे उसके बाद आपको पीएससी स्टॉक्स रिकवर करके कर दिखेंगे और उसके बाद मिड कैप स्मॉल कैप शेयर चलते हुए दिखेंगे इस प्रोसेस को फॉलो करेगा जब भी रिवर्सल के संकेत आए न कोई बाजार बंद होने वाला है न कोई ताला लगने वाला है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जो बाजार में ट्रेंड बन रहा है उस ट्रेंड को आपको पकड़ना जरूरी है और ये ट्रेंड बहुत साफ है कुछ जगह ऐसी है जो मजबूत है कुछ जगह ऐसी है जो कमजोर है वो ध्यान रखना चलिए ठीक